हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड का जो फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ऑटोनोमस शिप है उसके बारे में। जो वो शिप है वो बिल्कुल ऑटोमेटिक चलता है, और उस शिप का खासियत क्या है, वो शिप में कोई क्रू नहीं है, मतलब 0% क्रू है वो शिप में, ठीक है। तो वो शिप में क्रू नहीं है तो वो शिप कैसे चलेगा, वो ऑटोमेटिक चलेगा, ठीक है। शिप तो चल जाएगा, मान लो ऑटोमेटिक कुछ भी है तो, बट उसमें मेंटेनेंस के लिए जो भी बंदों की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें क्रू चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ हो सकता है लेस क्रू हो, बट क्रू की तो रिक्वायरमेंट रहेगी रहेगी ऑलमोस्ट, इतना तो कन्फर्म है। क्योंकि मान लो जैसे चिपिंग करना है तो चिपिंग के लिए तो फिर आदमी की क्रू की ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी वो टाइम में, वैसा है नहीं वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। या कहीं पेंट करना है या कहीं पर भी, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें उसके लिए तो पड़ेगी पड़ेगी, बट जो चलना है वो ऑटोमेटिक लाइक रोबोटिक, उसमें सारे सिस्टम दिए हुए, ठीक है। और ऐसे एक्चुअली में होना चाहिए, क्योंकि मतलब टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे शिपिंग इंडस्ट्री में भी कुछ ना कुछ चेंजेस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलेगा, जॉब तो मिलेगा, बट अभी जो प्रेजेंट में जो शिप बन रहे हैं ना वो एडवांस टेक्नोलॉजी के हो सकते हैं, जबकि जो पुराने हैं वो तो ऑनर तो वो वैसल को तो चलाना बंद करेगा नहीं, क्योंकि आपको तो जॉब कंटिन्यू मिलता ही रहेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका नाम क्या है, एम वी यारा ब्रिकलैंड, और ये कौन से पोर्ट में है, ब्रेविक पोर्ट और नॉर्वे में ये शिप लॉन्च हुआ गया। काफ़ी पहले हो गया था, मैं वीडियो काफ़ी पहले बनाने की सोचा, बट ये टॉपिक मैंने लिखा हुआ ही रह गया, बट आज मैंने सोचा आज ये इस पर बना ही लेता हूँ। और इसमें जो इसके जो लॉन्चिंग टाइम के जो काफ़ी वीडियो है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी आए थे, उन्होंने देखा सब ऐसा, तो वो भी मैंने इसमें यही वीडियो में मैं आपको शो करवा दूँगा, तो आप देख लेना। ये शिप है जो कार्गो कंटेनर, थोड़ा कार्गो कंटेनर शिप है, ठीक है। फर्टिलाइज़र कंटेनर ऐसा कुछ कैरी करके लोड करके लेके जा सकता है ऐसा, ठीक है। तो ये शिप का तो मैं आपको वीडियो शो करवा दूंगा, आप वीडियो भी देख लेना अच्छे से। और बाकी तो क्या है, बाकी सब ऐसे ही है, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, और भी काफ़ी नए नए टॉपिक पे नए नए वीडियो लाते रहेंगे देख, ठीक है। तो इतना ही टाइम मिला, मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते, उसके बाद में और बैक टू बैक आते रहेंगे। अभी जो मेरे वैसल के मैंने छोटे छोटे क्लिप लिए स्लो मोशन में, ऐसे जो भी है टाइम लैप्स वीडियो, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा अच्छे से, आप देखना। चलो ठीक है, थैंक यू। Det er veldig historisk, fordi at her kommer ny teknologi og gjør det mulig å ta gods av veien. Masse biler av veien, masse utslipp blir borte, og det blir trygg transport. Dette er starten på noe som kommer til å forandre transport i verden. Ta oss i retning av å kutte utslipp. Så dette er utrolig potensialer og veldig løfterikt. So this is one out of 8 battery rooms. Takk skal du ha, Tore. Gratulerer med dagen. This ship is a concept and I would say an opportunity that the rest of the world would need to make sure that we get the green shipping going forward. The concept and the knowledge that we have gathered in this project is going to be extremely important for us to reach both the national but also the international sustainability goals going forward. Ship takes to the water. By shipping up to 120 containers of fertilizer from a plant in the southeastern town of Porsgrunn to the Brevik port a dozen kilometers. The 80 meter long, 262 feet,
vessel is powered by a 6.8 mWh battery pack, and can carry up to 3,200 tons at a maximum speed of 15 knots, 28 km/h, 17 miles per hour. Alongside production of the ship itself, Yara is tapping into its own stocks of ammonia used in its fertilizer production to develop a zero-carbon fuel source for eventual use aboard the Yara Birkeland. Zero emissions, and, soon, zero crew. The world's first fully electric autonomous cargo vessel was unveiled in Norway, a small but promising step toward reducing the maritime industry's climate footprint.